पेट्रोल डीजल महंगा हुआ, महंगाई बड़ी कम हुई। और यहाँ आपसे बात कर रहे हैं, आप कह रही हो स्कूल में मतलब टीचर नहीं है, महिलाओं को डर लगता है, बीजेपी सपना दिखाती है, हम थोड़ी सच्चाई में फंसे रहते हैं तो हम वैसा सपना नहीं दिखा पाते। आप देखो जैसे आप रात को सोते हो सपना दिखता है, वैसे टीवी पे सपना दिखता है और फिर जग जाते हैं। जादू है ये, पता है क्या है, ये पैसे का जादू है। ये सरकार बड़े उद्योगपतियों को फायदा देती है, बड़े उद्योगपति टीवी पे सपना दिखाते हैं, जनता को अंत में युवाओं को कुछ नहीं मिलता है। ये गुजरात में बहुत अच्छी तरह परफेक्ट किया गया है। छोटा सा सवाल, नरेंद्र मोदी जी ने नर्मदा का पानी आपको दिया? किसी को तो दिया होगा। आपका जो पानी है वो गुजरात के 5-10 उद्योगपतियों को उन्होंने दिया। आपकी जमीन छीनी, आपको कॉम्पेंसेशन नहीं दिया, आपको लाठी मारी और फिर आपका पानी उठा के गुजरात के सबसे 5-10 अमीर लोगों को दे दिया। यह है गुजरात मॉडल। गुजरात में 30 लाख युवा बेरोजगार, लाखों छोटी कंपनियां, मिडिल साइज कंपनियां खत्म हो गई, पूरे देश में आग लग गई, जीडीपी 4.2% तक पहुंच गई और इस आग में से एक कंपनी खड़ी होती है, कौन सी शाहजी की कंपनी। चमकती हुई एक नई कंपनी आती है, उसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहता हूं। 2014 से पहले 50,000 रुपए बैंक में थे, पता नहीं क्या हुआ 2014 में, दिल्ली में सरकार बदली, मेक इन इंडिया प्रोग्राम आया, महीनों में 50,000 के 80 करोड़ बन गए। थोड़ी सी देर बाद इतनी सफल कंपनी को इन लोगों ने बंद कर दिया, पता नहीं क्या कारण था। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था मैं आपका प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता हूं, मैं देश का चौकीदार बनना चाहता हूं। कहां गया चौकीदार? गुम हो गया चौकीदार। ये चौकीदार है या भागीदार?